हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा, जी हाँ दोस्तों, जाने कि हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम और उसके फायदे। जी हाँ, जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उन्हें नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करती है और बजरंगबली उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। बहुत से भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही नियम क्या है। तो दोस्तों, कलयुग के देवता कहे जाने वाले बजरंग बली जी को मंगलवार या शनिवार के दिन समर्पित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि अनुसार शनिवार और मंगलवार दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी यानी कि शुभ होता है। जो भी भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे नकारात्मक शक्ति परेशान नहीं करती है और बजरंग बली उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। बहुत से भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्हें कई तरह के लाभ नहीं मिल पाते हैं। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही नियम और सही तरीका क्या है। दोस्तों, इसके बाद जानेंगे कि हनुमान चालीसा पाठ करने के फायदे क्या क्या है। जी हाँ, मान्यता है कि जहाँ भी भगवान राम की कथा होती है वह भक्त हनुमान किसी ना किसी रूप में अवश्य मौजूद होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी की महिमा और भक्तों का कल्याण करने वाला स्वभाव देखकर तुलसीदास जी ने हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना की थी। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने के कई फायदे हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हनुमान चालीसा पाठ करने के नियम और उनके कई तरह के फायदे। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, जय श्री राम। यह दोस्तों जय हनुमान। हनुमान चालीसा पाठ करने के नियम। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर के पूजा स्थान पर भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करना हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना जरूर करें। जी हाँ, इसके बाद भगवान राम और सीता का हाथ जोड़कर मनी मन में ध्यान करें। दोस्तों, अब बजरंग बली जी को नमस्कार करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लें। इसके बाद हनुमान जी को पुष्प चढ़ाए, उनके समक्ष धूप दीप जलाए। दोस्तों, अब कुश से बने आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। दोस्तों, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूरा कर चुके हो तो उसके बाद भगवान राम का स्मरण और भजन जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ के बाद बजरंग बली जी को चूरमा या लड्डू और अन्य मौसमी फल का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों इसे बजरंग बली यानी कि दोस्तों हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों का हर संकट दूर करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये नियम से आप हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको दोस्तों कई तरह के लाभ मिलेंगे। चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा पाठ करने के फायदे। दोस्तों, आर्थिक परेशानी से छुटकारा। जी हाँ, हनुमान चालीसा में कहा गया है कि जो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि जब भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ शुरू कर दे। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में आपको इसका प्रभाव दिखेगा। इसकी शुरुआत मंगलवार से करना अति शुभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, अवश्य करें। तो दोस्तों, भय से मुक्ति। जी हाँ, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपको निडर और साहसी बनाता है। इस पाठ से भूत पिशाच नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान नहीं करती है। अनजाना डर से छुटकारा पाने के लिए रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके सोए। दोस्तों, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। तो दोस्तों,
छात्रों के लिए लाभकारी हनुमान चालीसा, जहाँ कहा जाता है कि बजरंग बली की कृपा पाने के लिए छात्रों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे छात्र पर हनुमान जी की कृपा होती है, वह बुद्धिमान, गुणी और अकलमंद हो जाते हैं। साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। दोस्तों ये अवश्य करें तो दोस्तों मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। जी हाँ, मनुष्य के जीवन में मोक्ष प्राप्ति परम लक्ष्य माना गया है। कहा जाता है कि शरीर त्यागने के बाद मनुष्य आत्मा को परधाम में स्थान मिलता है। जो व्यक्ति नियमित बजरंग बली का ध्यान, विधि विधान से पूजा अर्चना और हनुमान चालीसा का पाठ करता है, दोस्तों उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों इस तरह ये फायदे है हनुमान चालीसा के। जी हाँ, हर संकट दूर भागता है। दोस्तों इस तरह हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं प्रतिदिन, जी हाँ नहीं प्रतिदिन कर सकते तो शनिवार या मंगलवार के दिन अवश्य करें, इसको आपके इस तरह के फायदे मिलेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य बोलिएगा। धन्यवाद।